अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है फालतू से पालतू। अजीब है ना, उससे भी ज़्यादा अजीब वो शख्सियत है जिससे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिसने इस मुद्दे को उठाया और ऐसे जानवरों की निगहदाश्त का जुम्मा लिया जिनको हम फालतू जानवर समझते हैं। ये वो जानवर हैं जो हमारे गली मोहल्लों में नज़र आते हैं और हम इनको कोई अहमियत नहीं देते। मगर वो लड़की जिसने अमली तौर पर अपने किरदार से दिखाया कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी तमाम मखलूकात से अफजल। तो आइए मिलते हैं इस लड़की से और जानते हैं कि कैसे इसने पालतू जानवरों को पालतू बनाया। मेरी सबसे पहले 2011 में मेरे पास एक कैट थी, स्केटल्स भोलू जी जिसको हम कहते हैं, माशाल्लाह से 9 साल की है। सो जैसे हर नया बंदा जिसको इतना एक्सपोजर नहीं होता एनिमल्स का, मेरा भी उसके साथ यही था। और मैंने बड़े स्पेसिफिक होकर वाइट कलर की ट्रिपल कोट पर्शियन कैट ली थी, आई वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा जब मैं रेस्क्यू में आई तब मैं रियलाइज की सारी सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं, ब्रीड क्या है, उसका कलर क्या है, और मतलब हर कैट के साथ जो हमें सुपरफिशियल चीज़ें लगाते हैं जैसे हम इंसानों के ऊपर लगाते हैं ना, जनरलाइज कर रहे होते हैं और उनकी सभी डिमांड रखते हैं, हम जानवरों से भी वही कर रहे होते हैं। हालाँकि वो इतने प्योर होते हैं और वो इतना आपको हर जानवर एक अलग तरीके का प्यार देगा, उसकी हर अलग पर्सनैलिटी होगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने एक्चुअली चीज़ सीखी है ना कि देर एक्चुअली नो बाउंड्रीज, ठीक है, कोई लिमिट्स नहीं होती प्यार की, एहसास की, हर चीज़ के, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड होती गई है। तो जब मैं एक ही कैट थी मेरे पास, तो मुझे याद है मेरा एडमिशन भी हो गया था बैंगलोर और मैंने चले जाना था पढ़ने के लिए, मेरी सब तैयारी हो गई है। और फिर मैंने बहुत मज़े से पूछा जाके अपने बाबा से कि इसका क्या होगा, तो उनका ये दे दोगी तुम, और दैट वॉज द मोमेंट आई पुट माई फुट डाउन का मैं ये नहीं दूंगी, ये मैं पढ़ने नहीं जाऊँगी, ये मेरे साथ ही देगी। आपने जब एक पेट ले लिया है, जब आपने जानवर ले लिया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ गई है और यू हैव टू स्टिक टू इट। बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ी है, मेरा आना जाना, हालांकि मेरे पास एक बिल्ली होती थी तो मैंने अपना आना जाना तो रिस्ट्रिक्ट किया था, और जानवर तब नहीं को लेती थी कि ये बीमार हो जाएगी। तो मुझे तब से ही मतलब लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मुझे ये पता था कि अगर एक दफ़ा आपने जानवर ले लिया आप उसको इस तरह से बैंडिंग नहीं कर सकते। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, वहाँ पर क्योंकि मैं बाहर नहीं गई थी, मैं वापस लाहौर पढ़ने आ गई। और जब मैं यहाँ आई और मैं अपनी फर्स्ट ईयर में थी, तब जाके मिम्जी जो थी कैट है मेरी, उसको हुसैन चौक के ऊपर कोई उल्टा लटका के बेच रहा था, बिल्कुल हाफ डेड हालत में थी। तो मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ, समथिंग इनसाइड मी चेंज, मैं गाड़ी सोच रही हूँ, मैंने लड़कियों से मिली ली है और मैंने उसे 1 रुपया नहीं दिया और मैं गाड़ी को लेके बैठ गई, मैं चली गई हूँ। और फिर जब से वो आई ना, मैंने अपनी कैट के अलावा एक और जानवर को देखा जिसको एक्चुअली प्यार की ज़रूरत थी, बिकॉज मेरी कैट तो बहुत आरोग्य थी, वो ये कहती थी कि नहीं नहीं बहुत बहुत प्यार है, बहुत प्यार नहीं चाहिए। लेकिन मिम्जी जो थी वो साथ साथ आती थी, उसकी उसके अंदर मुझे वो ना ग्रेटफुलनेस नजर आई कि शी वाज एक्चुअली हैप्पी दैट आई रेस्क्यूड हर, और उसको खुशी हुई थी कि मैंने उसे किया, और उससे इमोशनली अटैच होती है। एग्जैक्टली, और वो फिर एक जो बॉन्ड डेवलप हुआ था ना, उसके बाद आई रियलाइज कि देर इज समथिंग जो कि आपने शायद एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते और जानवर आना शुरू हो गए। इनिशियली पहले 3 से 4 साल हम लोग सिर्फ कैट्स में ही करते, उसके बाद फिर मेरा पहला कुत्ता आया तो फिर डॉग्स भी रेस्क्यू करना शुरू। अच्छा, अभी आपके पास रिसेंटली कैट्स और डॉग्स हैं? दो हैं, दोनों हैं हमारे पास। और उनकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब आपके पास डॉग्स कितने हैं और कैट्स कितने? कैट्स अभी हमारे पास अबाउट 63 से 65 होंगी और डॉग्स हमारे पास 17 हैं। 17 हैं। तो जब से आप ये सारा कर रहे हैं, इनको पाल रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इस दौरान में किसी ने आपसे रब्ता किया कि हमें दे दें ये रेस्क्यू की हुई कैट या जो भी आपके पास है, कैट्स हैं, डॉग्स हैं? अच्छा, सो बेसिकली रेस्क्यू जो है ना, ये एक साइकिल है जो जब तक चलता रहेगा तब तक सस्टेनेबल होगा। जब हम एक जानवर रेस्क्यू करके लाते हैं और वो ठीक हो जाता है, तो आइडियली ये होना चाहिए कि वो अडॉप्ट हो जाए। इनमें से कुछ जानवर हैं कि जो कि बहुत बहुत अच्छे घरों में भी अडॉप्ट हुए हैं, और यही मकसद रेस्क्यू का ही है कि आप एक जानवर को अच्छी ज़िंदगी दे रहे हो। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इतने ज़्यादा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है जानवरों का, और प्लस इतने ज़्यादा लोग ब्रीड कॉन्शियस हैं कि वो अडॉप्शन की तरफ नहीं आ रहे, और इसके अलावा वो अपने जानवर और ब्रीड कराए जा रहे हैं कि जब भी किसी जानवर एक लेना चाह रहे, एक इंसान को जानवर लेना चाहता है, तो वो जाके एक मार्केट से कितने ले आते हैं स्टेट के, जो ऑलरेडी दुनिया में मिली आ चुकी है, जिसको घर की जरूरत है उसको जला दो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि करता रहता है। लेकिन अभी तक अगर हमने अब तक कुछ 500 एनिमल्स थ्रू द कोर्स ऑफ 7 ईयर्स रेस्क्यू किए हैं, उनको वापस नर्स पैक किए, कुछ अडॉप्ट हुए हैं, बहुत कम अडॉप्ट हुए हैं, और कुछ की डेथ हो गई इस तरह से। लेकिन ऑन एंड ऑफ हम कोशिश करते हैं कि मेन जो गोल है अडॉप्शन ही हो, लेकिन सिंस एक रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि अडॉप्शन कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं है सो फार। मे बी ओवर द ईयर्स आगे लोगों में अब टेंडेंसी आ रही है, अब अवेयरनेस भी आ रही है, तो तब तक हम इनको जितनी अच्छी लाइफ दे सकें हम इनको दें, जितने साल इनके हैं हमारे साथ अच्छे से रहें। अच्छा, इस दौरान आपको जो हर्डल्स, जो इश्यूज आपको देखने पड़े,
वो मतलब आप थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन सबसे करें, बड़े जो हर्डल आता है ना वो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ का और अटैचमेंट का आता है. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक जानवर लेकर आते हो, आप उस पर टाइम लगा रहे हो, आप उसके साथ आपको अटैचमेंट हो जाती है, और फिर जब आप उसी जानवर को मरते हुए देखते हो, आप देखते हो कि उसको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही जो कि ऑब्वियसली इतने जानवर में रहते हुए नहीं मिल रही होती, तो एक बड़ा सेटबैक होता है. दैट मेक्स यू लूज होप कि अगर मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, कोई और भी इसको नहीं दे रहा, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस. सबसे बड़ा हर्डल इमोशनल स्टेबिलिटी है, जिसको इमोशनल स्ट्रेस जो है जिसको कम करने के लिए कहते हैं कि यार एडॉप्शन बहुत अच्छी चीज़ है. सेकंड, फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा हो जाता है. एक जानवर का अगर आप देखो ना, आपके अगर आप एक्सपेंसेस देखो तो कम से कम 5 से 10,000 आपको कहीं नहीं जाता. हमारे पास इतने ज़्यादा नए डिजीजेज इतनी ज़्यादा आती हैं, नए केसेस आ रहे होते हैं, इनका खाना होता है, इनका पीना, इनकी मैनेजमेंट, हर चीज़. तो फाइनेंस, एक बंदे के लिए फाइनेंस करना बहुत मुश्किल है. अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, घर उनका है, ट्रांसपोर्ट उनकी है, मेजर एक्सपेंसिस वो कर रहे होते हैं. बहुत से लोग भी हैं जो कि पॉइंट टाइम टू टाइम हमें हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन इवन इन्हें कॉन्स्टेंट स्ट्रेस होता है कि मैंने इसका इस क्लिनिक का उधार देने वाला है, खाने वाले के उधार देने वाले हैं. That is something जो कि जो मैं कभी अगर सोचती भी हूँ ना कि I don't want to continue, तो maybe that is because of that. इसके अलावा और कोई मसला नहीं होता. अगर ये दोनों चीज़ें आपके इमोशनल स्ट्रेस कवर रहे और आपके फाइनेंशियल बर्डन्स कवर रहे, तो इट्स ऑनेस्टली वर्थ द एक्सपीरियंस. हर किसी को एक दफ़ा लाइफ टाइम में रेस्क्यू करके देखना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही है कि रेस्क्यू करना चाहिए, और इवन अगर आपके पास हैं तो लोगों को चाहिए कि आपसे कॉन्टेक्ट करें, और इनको भी एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए. एग्जैक्टली, ये भी जान है, एक अल्लाह की दी हुई है. और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि यू आर गोइंग फॉर अ लाइफ टाइम कमिटमेंट. बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि आप आते हो, शॉप चलता है, बिल्ली लेनी आप अडॉप्ट करते हो, और 1 से 2 महीने बाद आपको कॉल आती है, हम नहीं रख सकते, हमें एलर्जी हो गई है, हमारी शादी होने लगी है, इसको प्रॉब्लम हो गया, उसको प्रॉब्लम हो गया. यही जो मैंने शुरू में बात की ना कि आपके पास हमेशा चॉइस होती है, आपको फिर अपनी लाइफ को उस लिहाज से स्टेयर करना पड़ता है. तो इसके अंदर भी होता है कि आपको अपनी लाइफ के सारे डिसीजन पर विस्तार से लो कि आपके आपके ऊपर एक जान है, ये डिस्पोजेबल चीज़ें नहीं है. हमने देखा है कि इतने जानवर जबकि रेस्क्यू होकर आते हैं जो कि अबैंडन पेट्स होते हैं, जैसे आइरिश जो डॉग है, थ्री लैंडर जो कभी बोल रहा था, उसको कोई युवा इसके अंदर छोड़ के चला गया था, उसकी टांग में कीड़े पड़े हुए थे, और वो जब आई जी हाँ कोई बात और वो जब आई है और उसको 1 से 2 हफ्ते वो ना बात कर रही थी ना वो प्यार कर रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने ओनर्स को मिस कर रहे हो, बीमार हुए, आपने देखा वो कहाँ गए हैं. तो जानवर को रियलाइज होता है, मतलब हम वो भी फैमिली मेंबर्स की तरह हो जाती है. मतलब आई पर्सनली फील है कि दे नो, दे फील अ लॉट मोर देन वी गिव देम क्रेडिट फॉर. वो मतलब दे आर नॉट डम एनिमल्स, जो कहते हैं ना कि बेजुबान है, लेकिन उसके अंदर जान है, उसके अंदर सोच है, समझ है, फीलिंग्स. जैसे कि लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि जानवर जो है वो आप ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है. अगर आप चाहते हो कि इस दुनिया से एनिमल क्रुएल्टी कम हो, अगर आप चाहते हो कि उनकी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड बेहतर हो, तो आपको भी अपना पार्ट इसके अंदर करना पड़ेगा. आप सब एक जगह बैठ के दुआ नहीं कर सकते, दुआ से भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये वो जगह है कि अगर अल्लाह ने इंसान को अशफुल मखलूक बनाया तो वो इसलिए नहीं बनाया कि वो दुनिया के सारे मज़े अपने लिए लेके बैठे, वो इसलिए बनाया कि उसके हाथ में कंट्रोल है और वह बाकियों की ज़िंदगी उनकी जो कि खुद नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसे. तो अक्सर ये भी सवाल आता है कि जी आप जानवरों की मदद क्यों कर रही हैं, आप इंसान की करें चाहते. तो वही बात है कि एक तो पहले कुरान में ये चीज़ है कि अगर तुम किसी जानवर के साथ अच्छा करोगे तो वो एक इंसान के साथ अच्छाई के बराबर है, सिमिलरली किसी जानवर के साथ बुरा करोगे तो एक इंसान की बुराई के बराबर है. तो अल्लाह ने भी वो डिफरेंस नहीं रखा. कुरान में ये भी है कि जानवर पर रहम करोगे तो आप पर भी रहम किया जाएगा. लेकिन इंसान के साथ ये कि इंसान फिर भी कोशिश करके हाथ पांव मार के कम से कम आपको ये बता सकता है कि मैं भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मुझे ये चाहिए. जानवर वो भी नहीं कर सकता. तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे बेहतर रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हमने को एग्जिस्ट करना है. जितना ये जितनी दुनिया हमारी है, जितनी सब कुछ हमारा है, उतना ही इनका है. सिर्फ वो अपना राइट उस तरह मांग नहीं सकते, और हमें उन्हें खुद देना चाहिए. इस सारे प्रोसेस में आपने बताया कि आपके साथ आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है, तो डॉक्टर्स जो होते हैं इनके, उनकी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है? अच्छा, हमारा ये कि हम कुछ स्पेसिफिक वेट्स हैं जिन पर लेकर जाते हैं, और उन्होंने ये पूरा प्रोसेस देखा है. मतलब आप 7 साल से हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद अब आए, तो उनका भी साथ साथ रहा है. जितना वो अपनी तरफ से कर सकते हैं हमें अकोमोडेट किया है. अक्सर बहुत ख़राब खराब केसेस आए हैं उसमें किया है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हर किसी ने साथ में ये काम वगैरह करना शुरू किया है हमारे साथ, और जितना कर सकता है हर कोई करता है. सोसाइटी की तरफ से मैं जनरली अगर जनरल पब्लिक की बात करूँगी तो कोई इतना अच्छा वो नहीं आता, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जब आप जहाँ आप रह रहे हो तो आस पास वाले ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम करते रहते हैं, फिर लोग अपने जानवर हमारे ऊपर छोड़ने से नहीं रहते, फिर लोग इस तरह से कोई बुरे कॉमेंट्स करने से नहीं रहते, तो वो कोई इतना अच्छा नहीं था. लेकिन जो लोग क्लोजली रिलेटेड हैं, जो लोगों ने काम होते हुए देखा है, जो लोग काम का खुद पार्ट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया.
अच्छा, इसके साथ आप स्टडी भी मैनेज कर रही हैं? हाँ, मैंने जब शुरू किया था तब मैं बैचलर्स कर रही थी और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो वो साथ साथ दोनों चीज़ें आप कर लेती हैं। प्रॉब्लम तो नहीं होता, जैसे आप भी मैं ऊपर आपके साथ देखती थी तो उसको एक आपकी को उसको आप उसकी पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, कोई प्रॉब्लम था स्टूल में और उसके साथ इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि फिर जब आपका एक एनिमल आपका बीमार होता है तो आपको जैसे एक बच्चे को ट्रीट करना पड़ता है वैसे ट्रीट करना पड़ता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम है और आप उसको ट्रीट कर रहे हैं और एग्जाम तो प्रॉब्लम, ऐसे मैंने ना अपनी प्रायोरिटीज हमेशा बहुत स्ट्रेट रखी हैं इस मामले में। मुझे हमेशा से पता था कि ये जानवर ही मेरी प्रायोरिटी है, बिकॉज यहाँ पे लाइफ इज एट स्टेक। मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी निगलेक्ट करूँगी तो उनकी जान जा सकती है। एग्जाम है, पढ़ाई है, वो चांसेस आपको बार बार फिर मिलते रहते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं चीज़ होती, वो दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जानी है। तो मैं कोशिश हमेशा से कि ये मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन इसके अलावा मुझे पता है मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये दोनों जो हैं, जब मैं घर पर नहीं होती तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, बिकॉज इक्वली केपेबल है ध्यान रखने के। वैसे भी उन्हें बताना होता है कि कैसे करना है, तो अभी तक हमने जो किया है जितना किया है वो मैं अकेले बिल्कुल नहीं कर सकती थी। सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाएगा ना, 90% क्रेडिट जाएगा वो इनकी मैनेजमेंट को, ये जो आपके साथ हेल्प कर जी है। हम लोग साथ ही रहते हैं, हम खुद ही कोई जानवर मरता है हमें एक जितना दुख होता है, एक जितना लेके भागते हैं परेशानी जैसी है, तो बड़ा कलेक्टिव है काम है, एक इंसान ये नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपने जिस तरह बताया कि आप एक टीम की तरह पे काम कर रहे हैं, मैंने देखा भी ऊपर एक कुछ कुछ एनिमल्स को देख रहा है, कुछ गर्मियाँ बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज गर्मियों में ना सिंस आपका घर के अंदर सारा सेटअप है तो जो डिजीजेज होती है वो ज्यादा आ रही होती है, वायरसेस ज्यादा आ रहे होते हैं। सर्दियाँ कंपैरेटिवली इजी चली जाती है हमारी, गर्मी का सीजन बहुत मुश्किल। तो उसमें आप फिर क्या करते हैं जब गर्मी? उसमें ये होता है कि आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको इनको इनका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, आपको हमें एसीज लगाने पड़ते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन सिंस ह्यूमिड इतना है लाहौर का ये कि आपको नहीं, आप कूलर्स पे नहीं सर्वाइव कर पाते, तो आप जो जो इजी जो इनकी लाइफ थोड़ी सी बेहतर करने के लिए होता है वो सारे तरीके कर रहे होते हैं, जिस जिस तरीके से हम इनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर सकें। अच्छा, आपने जैसे अभी बताया कि कम ही लोग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जब कोई आपसे अडॉप्ट करने की बात करता है तो फिर आपके क्या एक प्रोसेस होता है, उसमें आप कैसे कैसे उसको बताते हैं? अच्छा, हमारे अडॉप्शन के लिए सबसे पहले तो एक अडॉप्शन फॉर्म होता है जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स सब कुछ है। उसके अंदर बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके अंदर ये है कि आपको जानवर से आके पहले मिलना पड़ेगा ताकि आप एक दफ़ा उसको देखो, उसके साथ देखो आपकी अटैचमेंट हो रही है नहीं हो रही, बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद ये होता है कि आपको हमें अपडेट्स देते रहना होगा, सर्टेन वेट्स है उन्हीं पे लेकर जाना है। उसके अलावा हम थोड़ा थोड़ा ये भी गेज करना चाहते हैं कि वो मेंटली और इमोशनली इस कंडीशन में है कि वो रख सकते नहीं रख सकते। उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं कि एलर्जीज तो नहीं है किसी को, आपने पहले कोई जानवर रखा है नहीं रखा, अगर रखा है तो अब वो किधर है। तो इस तरह क्वेश्चंस जस्ट टू मेक श्योर कि दे आर एक्चुअली सीरियस एंड दे विल लुक इनटू इट। बहुत सारी अडॉप्शन रिक्वेस्ट में टर्न डाउन कर देती हूँ फॉर द फैक्ट कि वो सिर्फ बीड्स मांग रहे होते हैं, एंड इवन तो मेरे पास बीड्स हैं लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि एक जानवर मैं उनको दूँ जो कि उसको उसकी नस्ल के लिए देख रहा है, उसके रंग के लिए बात कर रहा है। तो मैं ऐसे लोगों के साथ डील ही करना पसंद नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ उनको ही जानवर देती हूँ जिनके जिनके अंदर ये सेंसिबिलिटी होती है, मेच्योरिटी लेवल होता है जो कि जानवर को उसकी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए देख रहा होता है। जी, अच्छा, उसके अलावा आपने मुझे ये थोड़ा सा बताएं, जैसे आपका तो इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, 2011 से भी कर रही हैं, पहले तो आपके पास पैट था उसके बाद आपने, तो इस सारे ड्यूरेशन में आपने देखा कि गवर्नमेंट का कोई पार्ट है एनिमल्स की तरफ? ज़रूर है, वो जितना मुश्किल कर सकते हैं एनिमल वेलफेयर पाकिस्तान में उसमें करने में लगे हुए हैं। आए दिन वो जानवरों को जहर डालते हैं, कुत्तों को जहर डाल रहे हैं, आए दिन वो दिन दिहाड़े कुत्तों को गोलियां मार रहे हैं, और उनको इस चीज़ की ना कुछ शर्म है ना लिहाज है ना खुदा का डर है। और ऑनेस्टली इस चीज़ में आई हैव ज़ीरो रिस्पेक्ट फॉर दैट, क्योंकि जब आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि जिस जानवर की आप जान ले रहे हो उसमें भी उसी खुदा ने डाली, जिसने आपके अंदर जान डाली उसका भी वही खुदा है, कल को वो भी वापस उधर ही जा रहा है, तो आप लोग वर्द ही नहीं हो। हमें ऐसे कॉन्स्टेंटली जितने एनिमल वेलफेयर में लोग काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग एक तो एक होता है लाइफ की एडवर्सिटीज के अगेंस्ट फाइट करें, दूसरा हम इस जाहिल हुकूमत के अगेंस्ट फाइट करें जो कि बैठी है और इसको ये बात समझाना इतना मुश्किल हो चुका है कि जानवरों का भी राइट होता है। जो अंग्रेज एक बिल बना के गए थे एनिमल प्रोटेक्शन लॉ जो था, वो अभी तक इन्होंने रिवाइज नहीं किया, जिसके अंदर 50 रुपीज फाइन है किसी जानवर पर जुल्म करने का। उस टाइम पे हालांकि 50 रुपीज बहुत ज्यादा थे जो कि दिखाते हैं कि कितना एम्फेसिस था एनिमल राइट्स पे, और अब 50 रुपीज कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और वो फाइन करने की बजाय वो खुद
ये काम कर खुद ही करे वो फाइन, तो एक अलग सी बात है। अगर आप कोई कंप्लेन भी करते जाते हैं कि किसी इंसान ने आके हमारा कुत्ता मार दिया है, कर दिया है, तो आगे से उसका मजाक बनाया जाता है, उसे रिडिक्यूल किया जाता है, एक अजीब सा स्टिग्मा है इन लोगों के लिए इसमें। मतलब मैं और कुछ नहीं कहूँगी, मैं इसको सिर्फ जहालत कहूँगी और कुछ नहीं। एग्जैक्टली है ही जहालत। अच्छा अगर सजेशन देनी हो कि गवर्नमेंट जो है, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करें गवर्नमेंट को, बेसिकली बात ही हम जो उनके क्रॉस मैसेज भी करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ये जो मेजर सिटीज हैं, पॉकेट्स बन गई मेरा इसके, उसके बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली हम उन्हें रीच आउट कर रहे होते हैं कि आप हमें काम करने दें, आप लोग सिर्फ अपना ये जो एंड है काम खराब करने का ये रोकते हैं। अब तो ये भी कहते हैं कि हम TNR कर लेंगे, हम रेस्क्यू करके रिलीज कर देंगे, हम आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको मारें। वो लोग वो भी नहीं रुकते। आपकी कोई प्राइवेट एसोसिएशन है जो सोशल नेटवर्क पे आप एक दूसरे को जानते हो, जिस केस में आप मिलकर काम कर सकते हो, वो करते हो सब कुछ? तो व्हाट कैन एक्चुअली हेल्प इन दिस सिनेरियो इज कि आप पाकिस्तान में जितने रेस्क्यूज हैं उनको एक टेबल पे लेकर आओ, आप जगह जगह पे एरियाज डिवाइड कर लो, लेट देम हैंडल इट, आप अपना सपोर्ट दो जितना दे सकते हो, एटलीस्ट उनके अपोजिशन में मत खड़े हो। एंड ऑनेस्टली दिस कंट्री कैन गो अ लॉन्ग वे। अभी रिसेंटली जो ट्रिलिंटन का वाकया हुआ था, जिसमें लॉकडाउन होते साल ही ट्रिलिंटन में जो जानवर हैं जो कि बेचने के लड़के जाते हैं, उन्होंने नाले में फेंक दिया था, क्योंकि उनको बेचने पर उन्हें इतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितना उन्हें लॉकडाउन के दौरान खाना खिलाना, और उस पर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, बस वो दुकानें खुलवा दी गई और कहा कि जिनको पकाना पानी मिले। हालांकि ये एक बहुत बड़ा जुल्म वाला वाकया था। तो इस तरह के जो है ना, इस तरह के लोग जब ऐसी कोई हरकत करता है, जब कोई ऐसा केस सामने आता है, तो उनको उसी वक्त सजा देनी चाहिए। जैसे इंडिया कहने वाली बात है कि इंडिया में एटलीस्ट पुलिस एक्शन लेती है, एटलीस्ट उस पर कार्रवाई होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज है, उनके उनके एनिमल प्रोटेक्शन लॉ है। तो कम से कम ऐसा कुछ हमारे पास भी होना चाहिए कि हमें पता हो कि अगर हमने उसको बचा लें तो अब आगे कहाँ लेके जाए। इंसान को सीख तो मिले कि हमें ये हरकत नहीं करनी है। इसको आपने कहाँ से रेस्क्यू किया था? NCA से। अच्छा, अभी आप एक ब्लाइंड का भी बता रहे थे ना? हाँ, पिट्टू कौन दे रहे हैं? पिट्टू, पिट्टू, ये वाली? हाँ, पिट्टू, पिट्टू। ये भी ब्लाइंड है, वो भी ब्लाइंड है, पन्नों भी दिखाओ। इन्हें सारी अच्छा मारे में डॉक्टर को। ओके 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 ओके। ये भी ब्लाइंड है? जी। इसकी तो आईज भी ओपन नहीं हो रही ना जी। इसकी एक लेग जो है ना वो नहीं है, पानी पड़ी। ये वो जो तो जिसको इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रॉब्लम नहीं, वो कान थे जी, वो डॉक्टर हाँ। किया था। इसकी भी कान को कुछ एक्सीडेंट हुआ था, कुछ हुआ था, पूरा नेक्रोसिस हो चुका हुआ था। एक आपके पास वो भी थी ना जिसको मर्सी क्लीन करने लगे थे, तो आप उसको भी लेकर आए थे? हाँ, उसकी डेथ हो गई है। इसका क्या, इसकी लेग्स का है कुछ? जी, पिछली वाली काम में इसकी काम करती है, ऐसे उठाओ काम करती है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हेलो, हेलो, गई थी बीए चेक कराने के लिए। अच्छा, तो वहाँ से मुझे मिला था ये एकदम छोटा सा जहर वाला निकल है। अच्छा, इसको जहर वाला रख नहीं सकते बालों की वजह से, बस कि इसके छोटे छोटे बाल हैं तो इस वजह से। कहाँ जा रहे हो? वहाँ से हमने ले के आए थे, ये कूड़े वाली बिन में उन्होंने फेंक दी थी, ये क्रैकर थी। अच्छा, और इसकी एक आइस का प्रॉब्लम है, ये इसकी खराब थी, उन्होंने निकाल दी थी, हमने सर्जरी कराई। अच्छा, आप लोगों ने इसकी सर्जरी करवाई थी? जी, उन्होंने बिन में फेंक दी थी कूड़े वाले में। ओके, इतना इतना मतलब जिंदा थी पेट में, पेट में पानी था, आपको खैर ठीक है। अच्छा, ये फिर आपने इसको इस वजह से रेस्क्यू किया क्योंकि इसके साथ ये प्रॉब्लम थी, या ये आपके पास आने के बाद इसको प्रॉब्लम? हमारे पास तभी हुई है तीन साल से आपके पास है जी। ये तीन साल के लिए उन्होंने कहा था इसका कोई फायदा नहीं है, इसे उठा के क्यों लेके जा रही है, इसकी मैं क्यों करना है, ये इस तरह चलता है, मतलब उठा उठा के रखता है, पिछली बार इसकी काम नहीं करता। अच्छा, इसलिए इसको। दोस्तों, आज की कहानी दिखाने का मकसद सिर्फ ये शऊर पैदा करना था कि जानवरों और इंसानों में रंग और नस्ल की बिना पर फ़र्क नहीं करना चाहिए, और साथ ही इस बाहिम्मत लड़की को खराज तहसीन पेश करना था जो कि अकेली मर्द मुजाहिद बनकर ज़िंदगी की खिदमत कर रही है।
अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए तो कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।